छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज 1 नवंबर को बेमतरा के बेसिक स्कूल मैदान में 21वीं राज्योत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ बनाया गया। राज्योत्सव के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, बेमतरा विधायक आशीष छावड़ा, कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान, अरविंद कुजूर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य गीत के साथ हुआ। एक दिवसीय राज्योत्सव में इस बार छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर आधारित खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जटा बिखेरी गई। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के दल द्वारा प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम की प्रस्तुति शाम 5 बजे से प्रारंभ हो गई थी। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा छत्तीसगढ़ी नृत्य व गायन की प्रस्तुति की गई। जिले में आज राज्योत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा 18 स्टॉलों को लगाकर शासन की योजनाओं की भी जानकारी दी गई। NRLM कृषि उद्यानिकी महिला वास विकास विभाग, जनसंपर्क स्वास्थ्य विभाग, अनुसूचित जाति व जनजाति विभाग, जल संसाधन विभाग, श्रम विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर गया। स्थानीय कलाकारों द्वारा मनमोहक व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा आकर्षक विकास प्रदर्शनी लगाई गई और विकलांग हितग्राहियों को ट्राई साइकिल वितरण किया गया। बेमतरा जिले के स्वास्थ्य विभाग के लोगों को कोरोना वॉरियर्स को सम्मान प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। आज छत्तीसगढ़ राज्य के 21वां बछर वर्षगांठ ला पूरा धूमधाम के साथ पूरा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में मनावत है। सबले पहली मैं छत्तीसगढ़ वासी मल्ला आज के कार्यक्रम के राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करता हूँ। हमारे जिला वासी मल्ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना अर्पित करता हूँ। वो पुरखा मल्ला नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जैन मन छत्तीसगढ़ राज्य के सपना ला देखे रही से आप सब के माध्यम से मैं सबला बधाई शुभकामना। 21 वर्ष का आज हमारा छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ बनने का सपना जो हमारे पुरखे हमारे युवा साथी देखे थे, आज वो सपना मुझको लगता है साकार नजर आ रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने नारा दिया था गढ़बो छत्तीसगढ़, अब वो सच साबित होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से यहाँ किसान मजदूर जो पढ़े लिखे नौजवान आज जिस खुशहाली की ओर जा रहे हैं, एक उत्साह की तरह हम इस प्रदेश के विकास को देख रहे हैं, इसकी उन्नति को देख रहे हैं। मैं इस स्थापना दिवस के अवसर पर सबको बहुत बधाई देता हूँ।